हेलो everyone. This दिस इज your English educator इंग्लिश Magnet फ्रॉम Welcome back. वेलकम बैक इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ पोम दैट विल मेक यू क्वेश्चन कि हम लोगों को अलग तरीके से क्यों ट्रीट करते हैं यू आर लिविंग इन योर हाउस आप सब अपने घर में बैठे हो बहुत कंफर्टेबल हो आपके पास आपके पेरेंट्स हैं फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं एंड देन देर आर आर लॉड ऑफ पीपल जिनको आप जानते हो आप अपनी कंट्री में हो आप अपनी सिटी में हो एंड यू आर सेफ एंड साउंड अगर आज आपको बोला जाए कि ये आपकी कंट्री नहीं है और आपको यहाँ से हटा दिया जाए आपके पास घर नहीं है आपके पास आपकी कहने के लिए सिटी नहीं है आपकी कंट्री आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही और आपको वहाँ से हटा दिया जाए कहाँ जाओगे आप कहलाओगे एक रेफ्यूजी बिकॉज आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं आपको अपने देश से हटा दिया गया है और आपको कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कहाँ जाओगे और कैसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आपके पास एक फैमिली है जिसका आपको ख्याल रखना है लेकिन आपके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए आपके पास कोई अपना कहने के लिए नहीं है सो so, आज हम जो पोम पढ़ने वाले हैं विच बिलोंग्स टू द थर्ड यूनिट सेक्शन सी ऑफ क्लास एट ऑक्सफोर्ड बुक रेफ्यूजी ब्ल्यूज ब्ल्यूज़ का मतलब क्या है जैसे हम बोलते हैं आई फीलिंग बिट ब्ल्यू टूडे मतलब फीलिंग बिट ग्ल्यूमी और सैड तो जो रिफ्यूजीज का जो पेन है रिफ्यूजीज का जो उनका जो उनके साथ जो मिसबिहीवियर होता है या उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता, होता है इल ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे उस पेन को उस सौदों को इस पोम के थ्रू हमारे जो राइटर हैं डब्ल्यू एच ऑर्डन उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज टुडे यू हैव हाउस यू हैव अ सिटी यू से दैट इंडिया इज़ माई कंट्री एंड सपोज नाउ यू से दैट आई डोंट हैव अ कंट्री आई जस्ट आई डोंट हैव यू विल फील लाइक एन ऑफन और वो फीलिंग कैसी होती है तो पोम हम पढ़ेंगे बट बिफोर वी स्टार्ट द पोम विल स्टडी समथिंग अबाउट द पोएटन वॉज एन इंग्लिश अमेरिकन पोएट प्ले राइट क्रिटिक एंड लरिस इंफ्लुएंस ऑन द पोएट्री ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी हिस पोएट्री इज नोन फॉर डीलिंग विद्स ऑफ पॉलिटिक्स रिलीजन एंड लव तो ये जो सर थे ये एक इंग्लिश अमेरिकन पोएट थे ये भी 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 थे, थे थे। और भी थे. जो कि लिखते हैं किसी भी चीज़ के लिए। पोएट्री ऑफ 20th century। 20th सेंचुरी की पोएट्री में इनका काफी जो है इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन था His poetry पोएट्री इज नोन फॉर डीलिंग themes ऑफ पॉलिटिक्स रिलीजन एंड लव तो अब बेसिकली जैसे हर पोम पोइट जो होता है उसका एक जानजा होता है कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में जब वो लिखते हैं तो उनके लिए मतलब उनके कुछ फेवरेट्स होते हैं जैसे कि अब मैं इफ़ इफाम अ पेंटर आई लाइक टू पेंट लैंडस्केप्स और आई वुड लाइक टू पेंट लेट्स ए पोर्ट्रेट्स तो लोगों के जॉनर होते हैं तो यहाँ पे इनके जो फेवरेट जानवाज थे वो थे पॉलिटिक्स रिलीजन एंड लव इसके बारे में वो सबसे ज़्यादा लिखते थे जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक आउट वर्ल्ड वॉर टू के जस्ट स्टार्ट होने से पहले ऑर्डन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्डन जो थे एमिग्रेटेड मतलब उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया था एमिग्रेट मतलब होता है बाहर भेजना इमिग्रेट मतलब अंदर आना ही वन दुलट्सर प्राइज इन नाइनटीन फोर्टी एट फॉर दिस पोम द एज ऑफ एन्जाइटी अब ये बताया गया है नाइनटीन फोर्टी एट में इनको पुलटर प्राइज भी मिला था कौन सी पोम के लिए द एज ऑफ एनजाइटी

तो इसीलिए क्या हुआ उनकी कंडीशन अब उनको उनकी कंट्री से हटा दिया गया तो उनकी कंडीशन के ऊपर ये पोम लिखी गई थी जिसके लिए उनको एक बहुत ही रिमार्केबल प्राइस भी मिला था अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पोम के साथ इसके लिए यू हैव टू बी फोकस्ड यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी लाइन देन ओनली यू विल बी एबल टू अंटरस्टैंड फीलिंग्स बिहाइंड लाइन ओके सो लेट्स बिगिन से दिस सिटी हेज़ टेन मिलियन सोल्स सम आर लिविंग इन मैंशन्स सम आर लिविंग इन होल्स येट द इज़ नो प्लेस फॉर दास माई डियर येट दर इज़ नो प्लेस फॉर दास से दिस सिटी हैज़ टेन मिलियन सोल्स ऐसा कहा जाता है इस सिटी में टेन मिलियन सोल्स यहाँ पे सोल्स का मतलब है लोग तो ऐसा कहा जाता है कि इस सिटी में टेन मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं सम आर लिविंग इन मैंशन्स कुछ लोग बहुत बड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं कुछ लोग मैंशंस में रहते हैं और कुछ लोग जो है होल्स अब यहाँ पे होल्स का मतलब जो है क्या है स्लम एरियाज मतलब झुग्गड़ झोंपड़ जो, जो होते हैं झोपड़ियाँ जो, जो होती हैं वहाँ रहते हैं तो कुछ लोग बहुत आलीशान घरों में रहते हैं और कुछ लोग जो हैं वो स्लम एरियाज़ में रहते हैं ये दर इज़ नो प्लेस फॉर दस लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पोइट जो है वो अपनी किसी पार्टनर से बात कर रहा है जिससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक बॉन्ड है लव बॉन्ड है और वो ये कह रहा है अपने पार्टनर से लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है मतलब इतने लोग रहते हैं इतने घर हैं कुछ लोग बड़े घरों में रहते हैं छोटे में रहते हैं लेकिन हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है

माई डियर वी के नॉट गो देर नाव अब पोइट बता रहा है कि पहले हमारी भी एक कंट्री थी एंड वी थाट इट फेयर और हमें लगा था वो सही है वो जगह सही है वहाँ हम रहते थे वी वर लिविंग विथ लाइक अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी वी वर सेफ एंड साउंड लुक इन द एटलेस एंड यू वन फाइंड इट देर और वो कंट्री आज भी है तो एटलेस उठा के देखो यू विल फाइंड यू विल बी एबल टू स्पॉर्ट द कंट्री वी के नॉट गो देर नाव लेकिन अब हम वहाँ नहीं जा सकते माई डियर वी के नॉट गो देर नाव अब हम वहाँ नहीं जा सकते the speaker says that once they lived in a country and believed it to be their own वो एक कंट्री में रहते थे और वो उस कंट्री को अपनी मानते थे उन्हें लगता था ये उनकी कंट्री है बट दे वर डिनाइड देयर राइट्स लेकिन वहाँ उनके सारे राइट्स खत्म कर दिए गए उनको वहाँ से हटा दिया गया that place is still there in their headless इसका मतलब वो प्लेस आज भी एग्जिस्ट करती है लेकिन अब इनके लिए कोई जगह नहीं है वहां पे in the village churchyard there grows an old yew एवरी स्प्रिंग इट ब्लॉसम्स अ न्यू ओल्ड पासपोर्ट्स कैन डू दैट माई डियर ओल्ड पासपोर्ट्स कैन डू दैट अब वो यहाँ कह रहे हैं कि इन द विलेज चर्च यार्ड डेयर ग्रोज एन ओल्ड यू यहाँ वो बोल रहे हैं कि विलेज का जो चर्च यार्ड है तो चर्च यार्ड मतलब चर्च के बाहर जो पूरा बगीचा है वहाँ पे एक यू मतलब क्या है एक कॉनीफ्रस ट्री होता है विच हैज रेड बेरी लाइक फ्रूट्स एक बहुत बड़ा सा ट्री है जिसमें रेड रेड बेरी लाइक फ्रूट्स होते हैं तो वो जो है हर स्प्रिंग में वो नया हो जाता है ऑटम आता है उसकी पूरी लीव्स जो हैं झड़ जाती हैं और लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आती है वो फिर नया होता है लेकिन हमारे जो पासपोर्ट्स हैं लेकिन वो उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता वो पासपोर्ट्स फिर नए नहीं, नहीं हो सकते यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं इन देंस द पोइट शोज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड द रिफ्यूजीज एज देयर इज ऑलवेज न्यू होप फॉर नेचुरल लाइफ अब वो यहाँ पे नेचर नेचर nature में और रेफ्यूजीज़ के बीच में एक रहे हैं कि नेचर जो है हमेशा अपने आप को नया कर लेता है ऑटम सीजन आता है सारी लीव्स झड़ जाती हैं पे पेड़ जो होता है वो एकदम बैर हो जाता है एकदम सूखा दिखने लग जाता है स्प्रिंग आती है फिर वो नया हो जाता है तो नेचर में हर जगह चेंजेस कंटिन्यूसली होते हैं और ये एक्सेप्टेबल होते हैं लेकिन जो रेफ्यूजीज की लाइफ होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता इट रिन्यूज अनलाइक द रेफ्यूजीज रेफ्यूजीज की लाइफ वापस रिन्यू नहीं होती लेकिन नेचर होता है दिस इज अटाफॉर डैट कैप्चर्स न्यू लाइफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रोग्रेसन तो यहाँ जो लिखा है एवरी स्प्रिंग एट ब्लॉसम्स न्यू ओल्ड पार्ट स्पोर्ट्स कंट डू दैट तो यहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ के जो चेंजेस है उनको नेचर के चेंजेस से कंपेयर किया है तो एक तरीके से ये मेटाफॉरिकल कंपेरिजन है यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि हमारी लाइफ वापस अन्यू नहीं हो सकती वापस नई नहीं, नहीं हो सकती लेकिन नेचर के साथ ऐसा कुछ नहीं है अब यहाँ पे नई लाइफ अपॉर्चुनिटीज और प्रोग्रेशन को कंपेयर किया गया है नेचर में जो ये प्रोग्रेस हो रही है ये क्या है नई लाइफ अपॉर्चुनिटीज और प्रोग्रेशन से कंपेयर किया गया है दिस लाइन इंडिकेट्स दैट द हेल्पलेसनेस ऑफ द रिफ्यूजीज यहाँ जो बोल रहे हैं वो कि ओल्ड पासपोर्ट्स जो हैं वापस नए नहीं, नहीं किए जा सकते यहाँ पे वो उनकी हेल्पलेसनेस को दर्शा रहे हैं बता दें कि वो कितने हेल्पलेस हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने आप अप, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का टू गो बैक टू अ सेफ प्लेस बिकॉज दे कुड नॉट गेट देअर पासपोर्ट रिन्यूड वो वापस एक नई जगह नहीं जा सकते उनके पास उनके पासपोर्ट जो हैं वो वापस नया नहीं, नहीं कर सकते उसको The council banged the table and said, "If you have got no passport, you are officially dead. But we are still alive, my dear. We are still alive." अब यहाँ पे काउंसिल का मतलब क्या है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल रिप्रजेंटिंग देर कंट्री इन अ फॉरन कंट्री तो आप जो हो जैसे कि अगर आज आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे काउंसिलेट जो होते हैं वहाँ पे इंडिया के रिप्रजेंटेटिवस होंगे हर जगह इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जैसे हमारी कंट्री में बाकी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो यहाँ पे जब वो लोग गए कि हमको यहाँ पे हमें दूसरी जगह जाना है तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई पासपोर्ट नहीं है ना तो तुम ऑफिशियली डेड हो तुम्हारे पास अगर पासपोर्ट नहीं है तुम कहीं नहीं जा सकते लेकिन वो क्या कह रहा है लेकिन हम नहीं हैं डेड We वी आर स्टिल अलाइव मीन्स वी आर टोटली हेयर बट पीपल जो ऑफिशियल्स है वो हमको डेड कंसिडर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वी डोंट है पासपोर्ट यहाँ वो कहना क्या चाहते हैं इन एंगर एंगर में काउंसिल जो है बैंग द टेबल एंड सेड उसने टेबल को बैंक किया और क्या you इफ यू have नॉट passport पासपोर्ट देन ऑफिशियली वॉज डेड तो तुम्हारे पास ऑफिशियली तुम डेड हो बट द रेफ्यूजी एंड कंपेनियन वो अलाइव लेकिन वो सामने खड़े हैं वो लोग अलाइव हैं इवन पीपल एंड अथॉरिटी रिफ्यूज टू हेल्प एंड द स्टेट डिड नॉट रियली केयर अबाउट द रेफ्यूजीज अब वो उनकी उस वक्त की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कह रहे हैं अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है ना तो आप ऑफिशियली डेड हो बट सामने खड़े हैं दे आर लाइव दे आर अलाइव इन रियल फ्लैश एंड ब्लड और वो क्या कह रहे हैं वो अपनी सिचुएशन बता रहे हैं कि ऑफिशियल्स भी उनको हेल्प नहीं कर रहा स्टेट उनको हेल्प नहीं कर रहा उनकी कंट्री उनको हेल्प नहीं कर रही उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है नो बडी एक्चुअली केयर्स अबाउट द रेफ्यूजीज इट ऑल्सो डिपेंड्स दैट विदाउट पासपोर्ट दे वर सिंपली नो बडी सिर्फ आपके पास जैसे आप किसी भी दूसरी कंट्री में जब आप जाते हो तो विदाउट पासपोर्ट वो लोग ना के बराबर थे उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी वेंट टू अ कमिटी They offered me a chair, asked me politely to return next year. But where shall we go today, my dear? But where shall we go today? अब ये लोग जो हैं अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए एक कमिटी के पास गए उन्होंने मुझे एक चेयर ऑफर करी विच मीन्स उन्होंने मेरे साथ डिस्कशन किया मेरे को बिठाया मुझे समझाया और मुझसे क्या कहा आप अगले साल आइएगा अगले साल हम आपके पासपोर्ट पे डिस्कस करेंगे लेकिन आज हम कहाँ जाएँ माई डियर वेयर शेल वी गो टुडे उन्होंने अगले साल का बोल दिया ये पूरा साल मैं कहाँ निकालूंगा वेयर शेल आई गो टुडे द रेफ्यूजी वेंट टू अ कमिटी रेफ्यूजी जो थे वो एक कमेटी के पास गए दे ऑफर्ड हिम अ चेयर टू सिट उन्होंने एक चेयर दी उसे बैठने के लिए एंड पोलाइटली आज हिम टू कम नेक्स्ट ईयर उन्होंने कहा आप अगले साल आ ना अगले साल ना हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे बट दे वर अनएबल टू हेल्प हिम एंड द रेफ्यूजी हैल ही गो टूडे There was no place to go today. Came to a public meeting. The speaker got up and said, If we let them in, they will steal our daily bread. He was talking to you, he was talking of you and me, my dear. He was talking of you and me. अब वो बता रहे हैं कि वो अपने आप से लड़ते हुए लोगों से लड़ते हुए क्योंकि उनके पास उन्हें कोई जगह चाहिए अपने आप को अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अब वो एक पब्लिक मीटिंग में गए वहां उस पब्लिक मीटिंग में एक स्पीकर थे जो क्या कह रहे थे अगर हम इन लोगों को अपने शहर में आने देंगे अपनी कंट्री में आने देंगे तो ये हमारी जो डेली ब्रेड है वो स्टील कर लेंगे इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इतने लोगों को अपनी कंट्री में जो है जगह देंगे इनको रहने के लिए जगह देंगे तो इनको जॉब भी करना पड़ेगा ये हमारी जॉब छीन लेंगे और हमारा जो पैसा है वो इनको देना पड़ेगा मतलब हमारे पास जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी और वो क्या कह रहा है कि हमारे बारे में बात कर रहे थे ये बोल रहे थे कि ये लोग अगर आ जाएंगे ना तो ये हमारा पैसा छीन लेंगे ये लोग हमारे जॉब्स छीन लेंगे और हमारी डेली ब्रेड मतलब हमारा जो लाइफ में आगे जो प्रोसीडिंग्स हैं जो बेसिकली आपको जीने के लिए आपको जॉब करना पड़ता है आपको पैसे कमाने पड़ते हैं आपको खाना चाहिए होता है सब में से इनको शेयर लेना पड़ेगा और हमारे पास हमारे लिए नहीं बचेगा तो वो अब ये क्या कह रहे हैं कि इनको मत आने दो एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी जहाँ स्पीकर कह रहा था इन को हमें हमारी कंट्री में अलाउ नहीं करना चाहिए ही वेंट टू अब्लिक मीटिंग एंड हर्ड द स्पीच ऑफ द स्पीकर वो एक पब्लिक मीटिंग में गए जहां उन्होंने स्पीकर की स्पीच सुनी दिसपल वनविलिंग टू हेल्प द रेफ्यूजीज एंड फेल थे ये इस क्या बताता है कि जो लोग थे वो बिल्कुल रिफ्यूजीज की हेल्प करने को तैयार नहीं थे देवर अनविलिंग टू हेल्प देम और उन लोगों को उनसे डर लग रहा था क्योंकि उन्हें क्या लग रहा था अगर ये आ गए तो ये हमारे हिस्से का पैसा जो है ग, स्पेस जो है वो सब छीन लेंगे पीपल आर अफ्रेड ऑफ द कपल एंड थाट दैट दे वुड स्टील देयर ब्लैड उनको जो था जो रेफ्यूजीज थे उनसे डर लग रहा था उन्हें ये लग रहा था कि हमारी नौकरी ये लोग ले लेंगे द इम्पर्सनल लैंग्वेज देम आल्सो कैप्चर्स द हॉस्टेलिटी टूवर्ड्स द रेफ्यूजीज कि ये जो ये कह रहे हैं कि ना वो लोग हमारी ले लेंगे इसका मतलब वो दिखा दें कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा हेट्रेड है रेफ्यूजीज को लेके सो अर इन अ जैकेट फैसन विद अ पिन सो अ डोर ओपन एंड अट कैट लेट इन बट दे व नॉट जर्मन जूज माय डियर दे वर नॉट जर्मन ज्यूज अब वो बता दें, वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं एनिमल्स से वो क्या कह रहे हैं सो और पूडल पूडल इज वॉट पूडल इज़ अ काइंड ऑफ डॉग तो उसने बोला सौ और पुडल इन अ जैकेट फैसन विद अ पिंग मैंने एक पूडल को देखा एक डॉग को जिसमें जिसको उन्होंने एक जैकेट पहनाया हुआ था और उसका जैकेट एक पिन से फैसन किया गया था फिर मैंने देखा एक दरवाजा खुला और जो कैट है एक ओनर जो कैट का ओनर था वो कैट को अंदर लेके चला गया जानवरों के लिए जगह है इस देश में जानवरों के लिए जगह है इस सिटी में लेकिन हमें कोई अंदर नहीं ले रहा हमारे लिए कोई जगह नहीं है रहने के लिए द पोइट हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कंडीशन ऑफ द कपल जो ये कपल है और एनिमल्स The cats were allowed to enter anywhere they wanted but German Jews were not. Their condition was worse than animals. Condition animals just because they were German Jews, they were not allowed anywhere. animals allowed है, है German Jews. animals. है. Went down the harbour and stood upon the quay. Saw the fish swimming as if they were free. Only 10 feet away, my dear.

कुए का मतलब क्या होता है अ प्लेटफॉर्म वेयर बोट्स कम इन टू लोड तो जैसे अगर आपका ये पूरा जो है सी है तो यहाँ पे इस बीच में जैसे मान लो ये लैंड है तो इस बीच में इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बना होता है जहाँ पे जाके यहाँ पे सारी बोट्स होती हैं तो वो इसको आप कोए कहते हो इसको क्या कहते हैं हम कुए कहते हैं तो उसने बोला मैं हार्बर पे गया था और वहाँ पे मैं उस कुए पे खड़ा हुआ था क्या देखा उन्होंने Saw the द फिश स्विमिंग if दे वो फ्री और मैंने वहाँ पे देखा फिश को देखा और वो सब जो थे फ्रीडम के साथ जो है स्विम कर रही थी ओनली टेन फीट अवे माई डियर ओनली टेन फीट अवे मतलब सिर्फ टेन फीट की दूरी पे थी लेकिन वो लोग फ्री थे The refugee went down the harbor and saw the fish swimming and enjoying the freedom. They were only 10 feet away from the refugee, but unlike the refugee, they were free. अब वो क्या कह रहा है कि मैं हार्बर गया था वहाँ मैं कुएं पे गया और मैंने देखा वहाँ कितनी सारी फिश थी जो स्विम कर रही थी फ्रीडम के साथ उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था वो मुझसे सिर्फ टेन फीट की दूरी पे थी पर वो लोग आज़ाद थे और मैं आज़ाद नहीं था वॉक थ्रू अ वुड सॉ द बर्ड्स इन द ट्रीज They had no politicians and sang at their ease. They were not the human race, my dear. They were not the human race. अब वो बता रहे हैं फिर मैं एक फॉरेस्ट में गया वुड का मतलब यहाँ पे क्या है फॉरेस्ट में एक फॉरेस्ट में गया वहाँ मैंने पेड़ों पे चिड़ियाँ देखी मतलब आई सॉ lot ऑफ बर्ड्स ऑन द ट्रीज और वहाँ पे कोई पॉलिटिशियन नहीं था वहाँ कोई पॉलिटिशियन नहीं था उन्हें बताने के लिए ये तुम्हारा पेड़ नहीं है और ये तुम्हारा पेड़ है और वो लोग फ्रीडम के साथ गाने गा रहे थे मतलब दे सैंग एट दे रीज वो अपने कंफर्ट के साथ अपने घर में अपने नेस्ट में थे और वो लोग जो हैं दे वो सिंगिंग पता है क्यों क्योंकि वो ह्यूम्स नहीं थे और वो इसलिए क्योंकि ह्यूमंस में होते हैं पॉलिटिशियंस ह्यूमंस में होते हैं माइंड गेम्स करप्शन और ह्यूमंस में होती है वहाँ पे आपके पास हर जगह एम्पैथी नहीं होती एंड दे ट्रीट यू पोअर् लेकिन वो लोग ह्यूमंस नहीं है ना इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ बेसिकली वो अपनी जो है पिटीफुल लाइफ के बारे में बता रहा है कि क्योंकि हम ह्यूमंस हैं ना तो हमारे साथ देखो क्या क्या हो रहा है काश हमसे बेहतर तो जो है एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं वाइल वॉकिंग थ्रू द वुड

फिर अब वो क्या बता रहा है कि मैंने ड्रीम किया मैंने एक सपना देखा एंड आई सॉ अ बिल्डिंग एक बहुत बड़ी सी मैंने बिल्डिंग देखी जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फ्लोर्स थे उसमें थाउजेंड्स ऑफ विंडोज थे थाउजेंड्स ऑफ डोर्स थे लेकिन उसमें से एक भी डोर हमारा नहीं था एक भी डोर हमारा नहीं था अब वो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं इन हिज ड्रीम ही सॉ बिल्डिंग विद अ थाउजेंड जूम्स बट दे वॉज नॉट अ सिंगल जूम फॉर द जर्मन ज्यूज बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि मैं कुछ सपने में भी दिख रहा है कि इतनी बड़ी सिटी है इतनी बड़ी कंट्री है लेकिन हमारे लिए छोटी सी भी जगह नहीं है एनिमल्स के लिए जगह है बर्ड्स के लिए जगह है फिश के लिए जगह है लेकिन हमारे लिए जगह नहीं है हम क्योंकि जर्मन ज्यूज हैं और कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता स्टड ऑन अ ग्रेट प्लेन इन द फॉलिंग स्नो टेन थाउजेंड सोल्जर्स मार्च टू एंड फ्लो लुकिंग फॉर यू एंड मी माई डियर लुकिंग फॉर यू एंड मी अब वो क्या कह रहा है स्टूड ऑन अ ग्रेट प्लेन इन द फॉलोइ स्नो अब वहाँ स्नो फॉल हो रहा है जहाँ पर वो एक मैदान में खड़ा हुआ है उसने क्या बोला वहाँ टेन थाउजेंड सोल्जर्स जो थे मार्च कर रहे थे और वो हमें ढूंढ रहे थे वो हमें कैद करने के लिए ढूंढ रहे थे दिस टेंस आर नॉट ओनली गर्व एंड इमेज ऑफ कोल्डनेस एंड डेथ बट ऑल्सो ऑफ सर्वाइवल इन चैलेंजिंग सिचुएशंस टेन थाउजेंड सोल्जर्स वो बता रहे हैं कि ये लोग ना हमें ढूंढ रहे हैं ताकि हमें पकड़ लें हमें स्लेवस बनाने या हमारे हमें हमें आ, मार डालें तो यहाँ पे बता रहे कितना कोल्ड है जो है ह्यूमन रेस जो है वो कितनी कोल्ड हो गई है कि वो एक फेलो ह्यूमन को जो है एक छोटा सा स्टे प्रोवाइड नहीं कर सकते और यहाँ वो बोल रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट है ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस में सरवाइव करना जीना कितना मुश्किल है आपको कोई जॉब नहीं दे रहा आपको रहने के लिए जगह नहीं दे रहा आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है एंड यू स्टिल हैव टू सर्वाइव द सोल्जर्स वर नॉट लुकिंग फॉर देम पर्टिक्यूलरली बट दे वर लुकिंग फॉर जर्मन ज्यूज उसका कहने का जो मतलब था दे वर लुकिंग फॉर अस इसका मतलब वो जर्मन ज्यूज को पकड़ने के लिए हैं वहाँ पे हे आर द स्पीकर वॉन्ट्स टू हाईलाइट द ट्रेजिडी एंड फियर ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल एज द कलेक्टिव एक्सपीरियंस यहां वो बोल रहे हैं अपना एक्सपीरियंस के साथ जर्मन जूज जितने भी रेफ्यूजीज है उनका एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कितना मुश्किल है ऐसी एडवर्स सिचुएशन में सर्वाइव करना हे आर द राइटर यूजर्स हाईपरब्लिक टू शो द इमेंस नंबर ऑफ सोल्जर्स आफ्टर दैम एंड हाउ दे वर आउट नंबर्ड यहाँ जो उसने बोला है थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स तो यहाँ पे ये यह एग्जैजेशन है ऑब्वियसली थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स एक जगह मार्च नहीं कर रहे थे लेकिन वो क्या बताना चाहता है कि किस तरीके से इतने सारे जो सोल्जर्स हैं वो इन थोड़े से जो रेफ्यूजीज हैं उनको ढूंढ रहे हैं हाउ दे आर आउट नंबर्ड आउट नंबर्ड मतलब वो लोग कितने कम हैं और जो रेफ्यू जो सोल्जर्स हैं वो कितने ज्यादा हैं तो यहाँ उन्होंने जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किए वो है हाईपल्ली क्लियर सो दैट सेट गाइज ह्यवी आर डन विद द एक्सप्लेन ऑफ द पोम आई होप यू अंडरस्टूड वेल एंड ऑल्सो देर इज़ अ थिंग जो हम हमारी जो ये वाला जो पूरा यूनिट पढ़ रहे हैं यहाँ पर इस पूरी यूनिट में हमने क्या समझा कि आज हम लोग बहुत लकी हैं बिकॉज हमारे पास एक सेफ कंट्री है हमारे पास एक सेफ घर है हम हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि कहीं कोई हम पे अट्रैक्ट तो नहीं कर देगा कहीं कोई हमसे हमारा घर छीन के ले जाएगा या हमसे कल को कहेगा ये कंट्री तुम्हारी नहीं है सो वी आर वेरी लकी बट जो इसके पहले वाला जो हमने चैप्टर देखा जहाँ हमने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा या फिर ये वाला चैप्टर यहाँ हमें पता चल रहा है कि लोगों को कितना मिसट्रीट किया गया है उनको कितना ज़्यादा इलट्रीट किया गया है एंड ऑल वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर्स इज इफ यू हैव अ कम अक्रॉस समवन हु इज़ इन पेन देन ट्राई टू बी एम्पेथेटिक try to help them do not try to you know um, like misread the situation or do not try to just feel that you know you are superior and they are inferior nobody is superior or inferior because everyone every particular human being who has got birth on this earth is equal to rest of the people यहाँ पे हमें इक्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए एंड दैट इज इट आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोम वेल इन आर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द समरी द स्ट्रक्चर पोएटिक डिवाइज यूज इन दिस पोम एंड द क्वेश्चन आंसर्स सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज बिकॉज वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर इन आर अपकमिंग वीडियोज ऑल्सो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट विच इज magnetbrains.com ब्रीन्स डॉट कॉम हेर यू विल फाइंड ऑल अवर कोर्जेस just streamline for you class 1 say class 12 talk just select the class select the subject select the topic and your video will appear easy right thank you so much for being with me also if you like the poem and understood it well do not forget to like share and subscribe bye bye